हेलो वेलकम इन क्वांटम मैकेनिक्स एमसीक्यू सीरीज और आज हमारी ये वीडियो है थर्ड तो स्टार्ट करते हैं द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल विच आर इन थर्मल इक्लिबीरियम एट टेम्परेचर टी इज एच अपॉन अंडर रूट टू एम के टी एच क्रॉस upon टू एम के टी एच क्रॉस अपॉन अंडर रूट एम के टी एच अपॉन अंडर रूट टू के टी तो टाइम स्टार्ट हो गया है इस बार मैंने टाइमर रखा है तो आप तीन सेकेंड का टाइमर होगा जो कैलकुलेशन वाला है उसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दूँगी कैलकुलेशन करने के लिए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है एच अपॉन अंडर रूट टू एम के टी बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा क्यों क्योंकि जो आपका एक्सप्रेशन याद आ रहा होगा वो एच अपॉन अंडर रूट थ्री एम के टी आ रहा होगा और वो हम कहाँ से निकालते हैं लैमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई e से ई काइनेटिक एनर्जी है इससे निकालते हैं ये एक्सप्रेशन तो यहाँ टू आ रहा है और जो हमें एक्सप्रेशन याद आ रहा है उसमें थ्री एम के टी आ रहा है तो क्या डिफरेंस है जो थर्मल इक्विलिब्रियम पे कोई गैस होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एन के टी होती है ठीक है एन की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिपेंड करता है मोनोटोमिक गैस है कि डायोटमिक गैस है उस पर डिपेंड करेगा तो थ्री एम के टी या फाइव एम के टी वैल्यू आएगी यहाँ पे बट यहाँ पे गैस ना देखे मटेरियल पार्टिकल दे रखा है तो मटेरियल पार्टिकल थर्मल इक्लियम पे है यानी कि जो उसकी एनर्जी है ई e, वो KT के टी के बराबर है तो बस आपको ई e की जगह के टी रखना है मेटीरियल पार्टिकल के लिए ए एक्सप्रेशन आ जाएगा

जो ये एक्सप्रेशन है वीपी वी जी के रिलेशन या यान बर्गन और डी ब्रॉगली इन सब के वीडियो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगी जहाँ पे ये पढ़ा रखा है ड्राइव करा रखा है समझा रखा है कंसेप्ट को तो अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो टाइम आप हो चुका है इसका आंसर बी है वीपी इन टू वी जी इक्वल टू सी स्क्वायर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ इलस्ट्रेट द पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल ड्यूलिटी कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्रैक्स लॉ पोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट एंड पाउली प्रिंसिपल ब्रैक्स लॉ एंड पोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइम स्टार्ट हो गया है थ्योरी का क्वेश्चन है इजी है कंसेप्ट बेस है कि वे पार्टिकल रिलेटिव किस प्रिंसिपल से बताते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्प्टन इफेक्ट ये फिनोमिना और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी है के यहाँ नहीं बता रहे हैं उसको तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट से हम ये पार्टिकल रिलेटिव फिनोमिना अलस्ट्रेट करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी इज इंडिगेशन शाई स्टार एच क्रॉस अपॉन आई डेल डेल्टाओ इंटीग्रेशन एच क्रॉस अपॉन आई डेल शाई स्टार शाई डीटाओ इंटीगेशन शाई स्टार एच क्रॉस अपॉन आई डेल शाई डीटाओ इंटीगेशन शाई एच क्रॉस अपऑन आई डेल शाई स्टार डेटा टाइम स्टार्ट हो गया है यहाँ एक्सप्रेशन से एक चीज तो क्लियर है कि मोमेंटम का जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू एच क्रॉस अपॉन आई डेल है है ना याद नहीं था तो उसे भी याद कर लें और जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो शाई स्टार और शाही के बीच में उस ऑपरेटर को रख देते हैं तो शाही स्टार और शाही के बीच में हमारा ऑप्शन सी है तो करेक्ट ऑप्शन सी है है ना द अनसर्टिन होल्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑनली माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑनली दाइधर माइक्रोस्कोपिक नॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल टाइम स्टार्ट हो गया थ्योरी का क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझाते हैं ना तो बताते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रैक्टिकली बताते हैं कि किस कि बॉडी के लिए किस तरीके का अनसर्टिनटी है आप कैसा डी ब्लॉक रिलेशन आएगा कौन सी के लिए होल्ड करेगा कौन सी के लिए नहीं तो अन्सर्टिनिटी रिलेशन होल्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज या पार्टिकल्स ओनली ये ऑप्शन अ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग रिलेशन द मिनिमम अन्सर्टिनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग टू एच एम आर जीरो तो इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है आप लोगों को क्योंकि दो एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट से लग रहे हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है एच अपॉन टू पाई की जगह और एच अपॉन फोर पाई वाला एक्सप्रेशन लेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा एच क्रॉस अपॉन टू एम आर ठीक है

लेकिन कैलकुलेशन करते हुए एक चीज तो ध्यान जा रही होगी कि सब जीरो तो नहीं है है ना क्योंकि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर टू एच अपॉन टू पाए और एच अपॉन फोर पाए लेकिन सारे ऑप्शन जो यहाँ आ रहे हैं वन पॉइंट जीरो की टर्म्स में आ रहे हैं तो यानी एच ऑफ टू पाए पॉइंट टू पाए से वन पॉइंट जीरो आता है ठीक है तो आंसर है कौन से एक्सप्रेशन लगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच पॉइंट टू पाई एच की वैल्यू रख दी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू माइनस थर्टी फोर प्लांक कॉन्स्टेंट की टू और पाई डेल्टा टी गिवन है टेन टू माइनस सिक्स सब वैल्यूज रखिए तो से कैलकुलेट करिए तो टेन टू पावर से टेन टू कम हो जाएगा तो टेन टू जूल नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अनसर्टेनिटी रिलेशन बी डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच इफ प्लस सच ऑफ न्यूक्लियस इज टेन टू पावर मीटर न्यूक्लियस इंटू नाइनस नाइनटीन टू पावर माइनस फोर्टी नाइन सिक्स पॉइंट माइनस ट्वेंटी थ्री के जी मीटर पर सेकेंड टेन टू पाव माइनस ट्वेंटी सेवन के जी मीटर पर सेकेंड टाइम स्टार्ट कर देते हैं तो गिवन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा डेल्टा पी अप्रॉक्टली इक्वल टू एच डायरेक्ट तो 6 .6 की टर्म्स में आंसर आएगा दिख रहा है तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है अब 10 49 आएगा कि 10 19 आपकी कैलकुलेशन बताएगी टू पावर माइनस नाइनटीन आएगा है ना डिवाइड होगी टेंस कौन सा टू पावर माइनस माइनस नाइनटीन के जी मीटर पर सेकेंड

लिंक में दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी देख लीजिएगा ठीक है एनर्जीज ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स आर गिवन बाय बायस एनर्जी स्पेक्ट्रम एन स्क्र पाई स्क्र एच क्रॉस स्क्वेर अपॉन टू एम एल स्क् स्क्र टू एम एल अपॉन टू पाई टाइम स्टार्ट हो गया है थ्योरी का क्वेश्चन है पार्टिकल इन बॉक्स का लास्ट क्वेश्चन है और एनर्जी का जो वैल्यू है आपको आनी चाहिए आइगन वैल्यू एनर्जी की कि क्या आती है पार्टिकल इन बॉक्स में तो एक्सप्रेशन याद होना चाहिए चाहे एच क्रॉस की टर्म्स में याद रखो चाहे एच की टर्म्स में याद रखो तो एच क्रॉस की टर्म्स में होगा एन स्क्र पाई स्क्र एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम एल बी ऑप्शन यहाँ स्क्वाच की टर्म्स में लिख सकते हैं एन स्क्र एच अपॉन एट एम एल होता है एच अपॉन टू पाई याद है ना तो एच क्रॉस की जगह तो मकैनिक्स तो, के एम क्वांटम मैकेनिक्स के अब धीरे धीरे हम और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते रहेंगे अभी हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में थे देखते रहिए अप्रॉक्स थ्री हंड्रेड क्वेश्चन है तो अभी थर्टी क्वेश्चन हुए बहुत सारे विडियोज आने हैं Thank you. Keep watching.